अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो जी, यहाँ पे मैं बनाने लगी थी आज मिक्स दाल, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो बहुत इजी टू मेक है और चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया मूंगी की दाल जो कि धुली हुई मैंने आधा कप, और उसके साथ मशरूम की दाल मैंने ली है वो भी आधा कप मैंने धुली हुई यूज़ की है। उसके साथ यहाँ पे मैंने चने की दाल ली है वो भी मैंने हाफ कप ली है, और उसके साथ जो है मैंने यहाँ पे राइस लिए थे ये तकरीबन आलमोस्ट मैंने एक कप के करीब लिए थे। अच्छा, इसमें जो दलिया होता है जो फ्रेश मिलता है मार्केट से, खुला दलिया जिसको कहते हैं, अगर आपके पास वो हो तो आप उसको लाजमी आधे कप की रेशो में जो है इसमें ऐड करें। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसलिए वो ऐड नहीं किया। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिया था 4 to 5 पीसेस मैंने बीफ के लिए थे और 4 to 5 पीसेस मैंने चिकन के लिए थे। अगर आप एग यूज़ करना चाहें, चिकन या बीफ, आप एग भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे इसमें दोनों अच्छे लगते हैं, दोनों का फ्लेवर जो होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं बीफ और चिकन दोनों ऐड करती हूँ। अच्छा जी, इसके साथ यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून चिली पाउडर डाला है, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून। इसमें मैंने जो है सूखा धनिया पाउडर ऐड कर दिया था, उसके साथ इसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून जो है मैंने टर्मरिक पाउडर ऐड किया था। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का जो है वो प्याज लिया था, बड़े साइज़ का एक टमाटर लिया था, उसके साथ एक गट्ठी जो है वो लहसुन की ऐड की थी। इसके साथ यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया। आपने जितनी रेशो में दाल लेनी है उसके अकॉर्डिंग जो है आपने इसमें सॉल्ट ऐड करना है। मैंने अपनी रेशो के हिसाब से यहाँ पर 2 टेबल स्पून जो है इसमें सॉल्ट ऐड किया था। पानी आपने इसमें डालना है इतना कि जो आपका बीफ है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो मैंने ऑलमोस्ट इसको 20 मिनट्स के लिए प्रेशर किया था, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टेंडर चाहिए बीफ, हमने इसके रेशे बनाने हैं, उसके लिए हमने इसको ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स के लिए प्रेशर कर लिया था। तो जी, यहाँ पे प्रेशर करने के बाद मैंने जो इसका पानी था वो ड्राई कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें ऑयल ऐड कर लिया, ऑयल घी जो भी आप लोग यूज़ करते हैं हमने वो इसमें ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि चिकन की स्मेल तो थोड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है लेकिन बीफ की स्मेल ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ऑलमोस्ट जो है आपने 10 to 12 मिनट्स के लिए इसको भून लेना है अच्छे से। इसकी भुनाई के बाद आपने इसको सेपरेट कर लेना है, चिकन पीसीस बीफ पीसीस आपने सेपरेट कर लेने हैं। सेपरेट करने के बाद आपने इनके रेशे कर लेने हैं छोटे छोटे से, आप हाथ की मदद से या फोक की मदद से जो है इनके छोटे छोटे से रेशे करें। उसके बाद जो है जो आपने मसाला रेडी किया होगा ये रेशे आपने उसमें दोबारा से ऐड कर देने हैं। आपने जब दालें ऐड करके इसको प्रेशर देना है आपका बीफ और चिकन, उससे पहले प्रेशर में आपने रेशे करके लाजमी डाल लेने हैं, उनको सेपरेट नहीं रखना। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने इसमें शान का मसाला लिया, हलीम मसाला, तो मैंने इसमें वो एक पूरा पैकेट जो छोटा होता है वो ऐड कर दिया। इसके साथ ये इतना मज़े का फ्लेवर होगा, जो बेसिक हलीम होती है उसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये जो मिक्स दाल होती है इस तरह से चिकन और बीफ डलती है, इसमें मैं ये हलीम का मसाला यूज़ कर लेती हूँ, तो इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, हल्का सा इसमें हलीम का टेस्ट भी आता है और बहुत मज़े का सालन तैयार होता है। आप इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है इसका कलर है। तो ये इसको मैं अपने घर में जो है वो 2 नंबर हलीम कहती हूँ, तो मतलब ये हलीम भी नहीं होती है क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा एफर्ट होती है। तो आपने अगर जल्दी में हलीम से मिलता जुलता थोड़ा सा टेस्ट लेना है तो आप ये इस तरह से बना सकते हैं, बहुत टेस्टी होती है। इसको आप नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, हमीरी रोटी के साथ भी, घर की जो प्लेन रोटी है उसके साथ भी अच्छी लगती है, लेकिन इसका जो ज़्यादा मज़ा आता है वो नान या खमीरी रोटी के साथ ही आता है। तो जी, ये जो दालें सारी मैंने सोख की हुई थी वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, आपने एक चीज़ का जो है वो ध्यान रखना है, मैक्सिमम आप इसको ओवरनाइट जो है वो सोख करें तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, लेकिन अगर आपने कम से कम भी इसको सोख करना है तो 4 to 5 आवर्स के लिए आपने इन दालों और चावलों को लाजमी सोख करना है, तभी जो है ये बहुत अच्छे से मिक्सअप होंगी सारी। तो इतनी देर के लिए आपने इसको लाजमी सोख करना है। उसके बाद आपने इसमें ज़्यादा सा पानी डालना है और इसको ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के लिए जो आपने प्रेशर लगा देना है। तो पानी आपका इतना होना चाहिए कि 20 मिनट्स में आपकी जो दालें हैं वो लगे नहीं, तो आपने ज़्यादा सा पानी डाल के इसको प्रेशर पे रख देना है। उसके साथ यहाँ पे भी मैंने सलाद भी रेडी कर लिया था, और सलाद में मैंने थोड़ा सा जिंजर काटा था, उसके साथ लीमू था, प्याज था और थोड़ी सी ग्रीन चिली थी। प्याज और ग्रीन चिलीज़ को मैंने जो है वो सिरका लगा के थोड़ा सा वॉश कर लिया था। अच्छा, इस सलाद से जो है ना इसका मज़ा वो डबल हो जाता है, तो इस सलाद को तो आपने हरगिज़ स्किप नहीं करना, इसको आपने लाजमी बनाना है। इसके साथ अगर आप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे आप हलीम ही खा रहे हैं, क्योंकि हलीम मसाला जो आपने उसमें ऐड करना है, जो आपने दालें और चावल ऐड करनी है, उससे एक बहुत परफेक्ट इसका फ्लेवर आता है। उसके साथ आप ये सलाद रेडी कर ले तो ज़बरदस्त सी आपकी जो है वो घर पर एक हलीम का आपको ईज़िली जो है वो टेस्ट भी मिल जाएगा, और बहुत मज़े की ये जो है ये
मतलब आपको मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि एक दफ़ा आप ये खाएंगे तो आप इसको दोबारा लाजमी बनाएंगे, ये इतने मज़े का सालन बनता है। तो जी किसी भी चीज़ की हेल्प से अब आपने इसको अच्छे से मैश कर लेना है, कम से कम 10 से 15 मिनट तक मुसलसल आपने इसको मैश करना है, जब तक आपकी दालें, आपका चिकन और बीफ जो भी आपने ऐड किया वो सब यकजान हो जाए, जो इनके रेशे होते हैं वो अच्छी सी पीक पकड़ लें। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसकी कंसिस्टेंसी, तो जब तक इसमें ना आ जाए तब तक आपने इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से इसके रेशे और दाल सब जो है वो मिक्सअप हो चुके हैं, तो ये बहुत परफेक्ट सी जो है इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। तो इसी तरह से आपने करना है, बहुत ज़्यादा थिक और बहुत ज़्यादा जो है वो पतली आपने इसको नहीं रखना, तो इस तरह से आपने इसको रेडी कर लेना है। ओके, जिसके बाद थोड़ा सा मैं इस पर लगाऊंगी तड़का। तो तड़का मैंने यहाँ पर यूज़ किया था देसी घी का, आप अपने फ्लेवर के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको देसी घी का फ्लेवर पसंद नहीं है तो ऑयल या घी जो भी आप यूज़ कर सकते हैं, करते हैं आप लोग आम रूटीन में, आप वो यूज़ कर लें। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया था और उसके बाद जो मैंने इसके ऊपर तड़का लगा दिया था, और जो देसी घी के फ्लेवर का इस पर तड़का होता है ना, मतलब उससे तो इसको चार चांद लग जाते हैं। तो जी ये मैंने ऊपर से लगा दिया तड़का और मज़े की ये दाल जो है मेरी ये रेडी हो गई है। ईजी होती है बनानी, आप रात में सो कर दें और सुबह ये आपके मैक्सिमम जो है एक घंटा तो तकरीबन लगता है, क्योंकि आपने प्रेशर जो है वो इसका लॉन्ग टाइम होता है, थोड़ा सा 20 मिनट्स इसको देना होता है, 20 मिनट्स आपने बीफ को देना होता है। लेकिन ये है कि उसके बाद जब आप इसको खाएंगे तो बहुत ही मज़े की ये जो है रेसिपी आपकी रेडी होगी। तो आप लोग भी इसको बनाएं और इन्जॉय करें। अच्छा जी, चैनल पर जो भी न्यू है वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मेक श्योर करें कि आप लोग बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें, उससे आपको मेरी वीडियोज़ जो होंगी उसके बेल वो उससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ जो है वो कैसी लगती हैं। तो जी हाँ, पर इसके बाद भी मैंने बनाया था पास्ता रात के लिए, क्योंकि हसन का दिल कर रहा था कि थोड़ा सा पास्ता होना चाहिए, तो भी मैंने उनके लिए बनाया था। थोड़ा सा पास्ता मेरे पास पड़ा हुआ था, थोड़े से स्पैगेटीज भी बचे हुए थे, तो मैंने उनको ही जो है वो यूज़ करके तो थोड़ा सा बना लिया था, सिर्फ जो है वो आप कह लें एक चस्के के लिए। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बोनलेस चिकन लिया था, गार्लिक को थोड़ा सा सॉटे किया, उसमें चिकन ऐड किया, उस पर मैंने फिर थोड़ा सा जो है सॉल्ट ऐड कर दिया था, ब्लैक पेपर ऐड कर दी थी उसके साथ। यहाँ पर मैंने कनोर क्यूब यूज़ की थी। अच्छा, अगर आपने जल्दी में कुछ इस तरह की चीज़ बनानी होती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट पे आपका दिल नहीं कर रहा होता, तो उसमें ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि आप पास्ता बना लें और उसमें ये कनोर क्यूब तो बहुत हेल्पफुल रहती है, आपको बहुत ज़्यादा कोई चीज़ छीलनी कूटनी मसाले रेडी करना ऐसा सब नहीं करना पड़ता। और फ्लेवर भी इसका बहुत अच्छा होता है, कोई ऐसा नहीं कि इसका फ्लेवर बुरा होता है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें सिरका ऐड किया, उसके साथ थोड़ा सा मैंने सोया सॉस ऐड कर दी, उसके साथ मैंने केचप ऐड कर दी थी। चिली केचप मैं जब भी मैक्रोनीस बनाती हूँ कोई से भी उसमें मैं लाजमी ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे इनका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ थोड़ा सा मैंने इसमें बारबेक्यू सॉस ऐड किया और थोड़ी सी मैंने चिली सॉस ऐड कर दी थी। तो वही बेसिक सॉसेस जो इस तरह की चीज़ों में यूज़ होती हैं वही आप लोगों ने ऐड कर लेनी है। मेरे पास पास्ता सॉस भी बड़ी हुई थी तो मैंने वो भी ऐड कर दिया, आपके पास अगर ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये इजी टू मेक भी होती है और बहुत जल्दी से बन जाती है। अगर आपने जल्दी से इस तरह की कोई बच्चों को स्नैकिंग के लिए या सुबह आपने ब्रेकफास्ट में लंच में देने के लिए कुछ बनाना होता है तो ये रेसिपी बेस्ट रहती है। इसमें आपको जो है वो पहले से मैरिनेशन भी नहीं चिकन की करनी पड़ती, ऑन द स्पॉट आपने सब कुछ करना है। मैक्सिमम अगर आपका पास्ता बॉयल है तो आपने जो है ये 5 से 10 मिनट में आपकी रेसिपी जो है वो रेडी हो जाती है। तो ये बॉयल पास्ता मैंने इसके बीच में ऐड कर दिया, उसके बाद आप इसको मिक्स करना है 5 मिनट के लिए, इसको हम कवर करके रखेंगे और ज़बरदस्त सा जो पास्ता हमारा रेडी हो जाएगा। तो ये रेसिपी आपके लंच बॉक्स के लिए बहुत बेस्ट है, आप रात में पास्ता बॉयल करके रखते हैं, बाकी स्टेप्स जो है वो मॉर्निंग में कर लें, तो 10 मिनट में आपका ये जो है लंच बॉक्स रेडी हो जाएगा और मज़े का भी होता है, हेल्दी भी होता है। तो जी उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये सारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और यहाँ पे पास्ता मैंने कोक के साथ एंजॉय किया था क्योंकि उसके बगैर इसका मज़ा नहीं आता। तो जी कमेंट सेक्शन में आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है आज का। अभी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।